आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शंस फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें आपको आर्बिट्री फंक्शंस को हटाना है। जैसे यहाँ फंक्शन एफ है, यहाँ फंक्शन एफ है, यहाँ फंक्शन एफ है, यहाँ फंक्शन एफ एन जी है, तो आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना है, हटा देना है और आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जेड इज कॉटो लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स एफ डेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा टू एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसी कारण वाई कांस्टेंट रहेगा। डेल जेड बाई डेल एक्स को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू एफ डेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स। अब इक्वेशन नंबर वन को हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के सापेक्ष अब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डेज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस टू वाई। तो डेल जेड बाई डेल वाई को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू और थ्री, इक्वेशन नंबर टू को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री से, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये जाएगा इक्वेशन नंबर टू, ये है हमारा है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये एफडेस वाला जो टर्म है दोनों में कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, और हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री इसको डिवाइड करेंगे तो एफ डेस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा पी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू या पी वाई प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दिया गया इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स वाई अपान जेड, और एक्स वाई अपान जेड का भी डिफ्रेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ नीचे लिखा है जेड, ऊपर वाले को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में तो वाई आएगा माइनस, ऊपर लिखा है एक्स वाई, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा डेल जेड बाई डेल वाई एक्स और अपान जेड स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने डिवीजन फार्मूला लगाया डिफ्रेंशिएशन का, एस के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है, इसी कारण जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एस का वन हो जाएगा, केवल वाई आएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल जे बाई डेल एस को पी लिखेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन नंबर वन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डेस एक्स वाई अपान जेड, और इसको फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ नीचे लिखा है जेड, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स आएगा माइनस, ऊपर लिखा है एक्स वाई, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा डेल जेड बाई डेल वाई अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर। यहाँ डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू लिखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ये वाला टर्म कैंसिल होगा और यहाँ से जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से टर्म मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है पी एक्स इजिकल टू क्यू आई, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन थ्री है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर वन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वन आएगा, इसका जीरो आएगा, एस के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट है, तो इसको हम डिनोट करेंगे पी से, पी इजिकल टू आ गया, वन को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो पी माइनस वन इजिकल टू एफ डेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स। अब इक्वेशन नंबर वन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई, ये होगा एफ डेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू वाई, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा। अब इसको हम डिनोट करेंगे क्यू से, क्योंकि डेल जेड बाई डेल वाई क्यू होता है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे ये लाइन आएगा। इक्वेशन नंबर टू और थ्री को डिवाइड कर देंगे तो एफ डेज का टर्म कैंसिल हो जाएगा, टू टू भी कैंसिल होगा, तो p माइनस वन अपान क्यू माइनस वन आ जाएगा x अपान वाई, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आंसर आएगा।
हम क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका आकलन करते हैं। तो डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा वाई एफ डेस एक्स प्लस एस का डिफ्रेंशिएशन वन जी ऑफ वाई। याद रखना एस के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, तो जी ऑफ वाई कांस्टेंट है, एस का डिफ्रेंशिएशन वन आ जाएगा। यहाँ पर वाई कांस्टेंट है और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डेस एक्स आएगा, तो ये हमारा पी हो गया, पी इज इक्वल टू वाई एफ डेस एक्स प्लस जी ऑफ वाई। इसे इक्वेशन टू दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर थ्री। फिर हम डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन नंबर वन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन वन होगा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ एक्स कांस्टेंट है जी डेस वाई। इसको हम क्यू से नोट करेंगे तो हम देख रहे हैं क्यू इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स जी डेस वाई। अब आप देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर टू थ्री और फाइव से एफ एक्स और जी वाई को हटाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर टू को। तो डेल जेड बाय डेल एक्स है, एक बार और इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या आता है देखते हैं। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, पहले हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया एस के रिस्पेक्ट में, एक बार डिफ्रेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट, ये तो करना ही है। अब आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों से ये जो दिया गया जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स जी वाई, क्या इसको हटाया जा सकता है क्या? अगर इनके हेल्प से हट सकता है तो हटा दीजिए, लेकिन नहीं हटा जा सकता है, नहीं हटा पा रहे हो तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, मतलब सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन को रिमूव करना आसान नहीं है, तो हम फिर से डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे एक बार और। तो चलिए हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, क्या आता देखते हैं। तो हो जाएगा वाई इंटू एफ डेस एक्स, वाई का डिफ्रेंशन वन हो जाएगा, तो वन इंटू एफ डेस एक्स प्लस जी डेस वाई। तो इसको हम लिखते हैं एस से नोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो ये हो जाएगा स्मॉल एस इज इक्वल टू एफ डेस एक्स प्लस जी डेस वाई। अब यहाँ पे आप देखिए, ये तो एस की वैल्यू हो गया। यहाँ पर आप देखो, आपको पी का वैल्यू दिख रहा है, अगर इसमें एस का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स जी वाई आ जाएगा, वाला टर्म आएगा। वैसे ही इसमें अगर y का मल्टीप्लाई करें तो y एफ एक्स आ जाएगा, वाला टर्म आएगा। और जब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वाला टर्म भी आ जाएगा, ये वाला टर्म एफ डेस एक्स प्लस जी डेस वाई। तो हम देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर थ्री और फाइव में, थ्री में s का मल्टीप्लाई करते हैं और फाइव में y का मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर फाइव दोनों में, एक में x का मल्टीप्लाई करते हैं, एक में y का मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री है, ये इक्वेशन नंबर फाइव है, इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन फाइव है। इसमें एस का मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे देख रहे हैं ये वाला टर्म देखो, दोनों में एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन निकाले एफ डेस एक्स प्लस जी डेस वाई। इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दीजिए, क्या लिखा है वाई एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई। तो ये बन जाएगा हमारा एस और ये बन जाएगा हमारा जेड। तो देख रहे हैं पूरी तरह फंक्शन गायब हो गया, एफ और जी तो गायब हो गया। तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स वाई एस इजिकल टू पी एक्स प्लस पी वाई माइनस जे। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इजिकल टू एक्स एफ ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर जी डेस एक्स। यहाँ भी दो फंक्शन है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, या जाएगा। अब इक्वेशन नंबर वन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल जेड बाई डेल वाई होगा एक्स स्क्वायर एफ डेस वाई प्लस टू वाई जी ऑफ वाई। इसको हम क्यू से नोट करेंगे। अब देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फाइव से एफ एक्स और जी एक्स दोनों को हटाना संभव नहीं है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन टू को वाई के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये होगा टू एक्स एफ डेस वाई प्लस टू वाई जी डेस एक्स। इन दोनों में टू कॉमन है, ये हमारा एस का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फाइव, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई से और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और इसको वाई से। इस प्रकार से ये हमारा थ्री है फाइव है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किए, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म देखो,
यहाँ पे दोनों में टू कॉमन है, टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर जी ऑफ एक्स, इन दोनों में देखो एक्स वाई कॉमन है तो ये जाएगा वाई जी डेस एक्स प्लस एक्स जी डेस वाई, ये बन जाएगा हमारा जेड और ये बन जाएगा हमारा एस बाई टू। देखो इक्वेशन नंबर सेवन आप देखिए, ये आ जाएगा एस अपान टू, क्योंकि एस की वैल्यू इस फॉर्म में था, एस की जो वैल्यू है इस फॉर्म में था, यहाँ टू था सामने है ना, यहाँ टू नहीं है तो ये बन जाएगा एस बाई टू। तब देख रहे हो इसमें एफ एक्स जी एक्स सब हट गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, फोर आएगा हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फोर आएगा, फोर तो ये हो जाएगा एक्स वाई एस इजिकल टू पी एक्स प्लस क्यू टी वाई माइनस टू जेड, माइनस टू जेड आएगा है ना, करेक्ट कर लीजिए माइनस टू जेड आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे और क्वेश्चंस है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को घर में ट्राई कीजिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमने फाइव क्वेश्चन तक कराए हैं अभी, क्वेश्चन नंबर सिक्स से थर्टीन तक नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, आप घर में ट्राई कीजिए, जो क्वेश्चन बन जाता है प्रयास कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से थर्टीन तक आपको बताएंगे।